सो गाइस, क्या आप लोग भी कैरम पूल के अंदर अनलिमिटेड कॉइंस बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते हैं बगैर स्किप किए तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है कैरम पूल के अंदर। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे कॉइंस करने के लिए आपको हर मैच विन करना पड़ेगा। अब हर मैच को विन करने के लिए आपको हर बार टर्न भी चाहिए होगी ताकि आप ब्रेक टू फिनिश मारकर इजिली हर मैच को विन करके बहुत सारे कॉइंस जमा कर पाए। अब ये मत पूछना कि ब्रेक टू फिनिश किस तरह मारना है। भाई लुलू बॉक्स, बिट एम और एम बीस्ट की मदद से इजीली आप लोग हर मैच को ब्रेक टू फिनिश मार सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस ट्रिक को करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं, स्ट्राइकर चेंज वगैरह का कोई सीन नहीं है। अब इस ट्रिक की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब गाइज, अगर आप मैच हार जाते हैं तो भी आपके पास ट्रिक ये वाली वर्क करेगी, अगर आप मैच जीत जाते हैं तो भी आपके पास ट्रिक वर्क करेगी, लेकिन अगर आप मैच को लीव कर देते हैं तो भी ये ट्रिक आपके पास वर्क करेगी। मजाक कर रहा हूँ, मतलब अगर आप मैच हारते हैं, जीतते हैं या लीव करते हैं, इस ट्रिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपको गारंटी टर्न मिल जाएगी। यहाँ पर देखें, मैंने ट्रिक को यूज़ किया और यहाँ पर ये देखें, मुझे टर्न मिल गई अगेन से। अब सिर्फ मिनिमाइज़ नहीं करना है, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, मिनिमाइज़ करना है, लेकिन उसके साथ छोटी सी एक और ट्रिक है। मतलब दो अलग अलग ट्रिक को मिलाकर मैंने एक ट्रिक बनाई है। वैसे ये यूट्यूब पर जो मिनिमाइज़ वाली ट्रिक है, ये बहुत सारे लोगों ने पहले ही अपलोड की हुई, बट मैं आप लोगों को बता दूं, जो दूसरी ट्रिक मैंने इसके साथ मतलब जोड़ दिया है ना, उसकी मदद से भाई हर बार ट्रन आ रही है, ऐसी बात नहीं है। सो गाइज, अगर आप लोग कैरम पूल से रिलेटेड मजीद इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि मैं जब भी कोई नई टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं दबा रखा तो भाई मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। मैं जब भी कोई ट्रिक की वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग तब उस वीडियो को देखते हैं जब वो ट्रिक एक्सपायर हो चुकी होती है, क्योंकि को नोटिफिकेशन ही नहीं आया होता। तो गाइज, यहां पर अभी पहले इस मैच को फिनिश करते हैं और गाइज मैं आपको प्रूफ के साथ अगेन से वो ट्रिक के जरिए टर्न लेकर दिखाता हूं किसी भी टेबल पर, किसी भी मैच पर। तो यहां पर गाइज, इसको टॉप राइट में मैं पोर्ट करता हूं। अभी देखें, ये जो क्रिमिनल के साथ हमारा मैच लगा था, ये बंदे का नाम क्रिमिनल है, ठीक है, इसके साथ हमारा मैच लगा था, टर्न हमारी ही आई थी। अब गाइज, आपने करना क्या है, अब यहां पर से मैं मैच जीत चुका हूं। अगर आप हार जाते हैं या लीव भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है। अब गाइज, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने गेम की स्क्रीन को क्लोज करके मिनिमाइज कर देना है, उसके बाद लुलू बॉक्स वाली स्क्रीन को क्लोज नहीं करना, उस स्क्रीन से गेम को अगेन से प्ले नाउ के बटन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। सेम ट्रिक आप एम बीस्ट से भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब गाइज, आपने दूसरी ट्रिक ये यूज करने के, लास्ट टाइम आप जो मोड खेल रहे थे आपको वो मोड नहीं खेलना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं कैरम मोड खेल रहा था क्रिमिनल के साथ, बट इस बार मैं फ्री स्टाइल खेलूंगा। तो भाई यहां पर गारंटी के साथ मैंने बगैर वीडियो को स्किप किए हुए आप लोगों को दिखाया, ये देखिए ट्रन मेरे पास आ चुकी है। अब गाइज, यहाँ पर से अगर ये मैच आप मतलब जीतते हैं या हारते हैं या लीव करते हैं, उसके बाद आप मिनिमाइज़ करते हैं और लुलू बॉक्स वाली या एम बीस्ट वाली मतलब स्क्रीन से दोबारा गेम को ओपन करते हैं, तो आपको दोबारा फ्री स्टाइल नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप फ्री स्टाइल खेल रहे थे जैसे कि मैं खेल रहा हूँ। तो यार, मैं जो समझाना चाहता हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी इस ट्रिक को यूज़ करें, अगली बार आपको अगला वाला मतलब मोड खेलना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो आप मोड खेल रहे थे वो आप नहीं खेल सकते। अगर आप वो खेलना चाहें तो हो सकता है आपको टर्न मिल जाए, बट गारंटी नहीं होगी उसके अंदर। बट इसके अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी टर्न जरूर आएगी। भाई बहुत ही जबरदस्त किस्म की वर्किंग ट्रिक है यार, अगर आप लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। अब देखें यार, शुरुआत में जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल दबाया हुआ है वो लोग इस ट्रिक से काफी ज्यादा फायदा उठा लेंगे यार, ठीक है। उसके बाद जो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं दबाया हुआ वो काफी लेट इस वीडियो को देखेंगे और तब तक काफी सारे बंदे ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इस ट्रिक के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ओपोनेंट होगा वो भी सेम ट्रिक यूज कर रहा होगा, और अगर आप भी सेम ट्रिक यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रन किसी एक ही बंदे को मिलेगी, तो आपके चांसेस भी ट्रन के कम हो जाएंगे। इसीलिए बोलता हूं यार, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रखो ताकि हर बार भाई मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।